हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं हमारे आर के इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल पर। आइए आज एक नए वीडियो के साथ हम देखेंगे ये जो छत में कैसे पाइप डाला हुआ है। ये एक बेडरूम है, देखिए दोस्तों, इसमें चार सीलिंग लाइट एक फैन पॉइंट के साथ। ये इसका मेन लाइन ड्रॉपिंग हुआ है यहाँ दीवार से, और ये साइड में देखिए, साइड में बीम के अंदर होते हुए एसी का पॉइंट भी ये पीछे की दीवार में गया हुआ है। और उस सामने देखिए जो इनका ऊपर का बालकनी होगा उसमें दो लाइट पॉइंट के लिए छोड़ा हुआ है। और यहाँ सामने देखिए ये छोटा सा रूम दिख रहा है, जो ये किचन है, इसमें भी एक सीलिंग लाइट का पॉइंट डाले हैं। ये इनका आ गया डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में भी चार सीलिंग लाइट और एक फैन का पॉइंट डाले हैं। इसमें अगर दोस्तों फॉल सीलिंग होगा नीचे तो उसमें और भी ज़्यादा लाइट लगेगा, अगर नहीं हुआ तो इसी में ही सीलिंग का लाइट लग जाएगा। और ये सामने देखिए ये एक पूजा रूम है इनका, जिसमें एक ही सीलिंग लाइट डाला हुआ है और नीचे की पॉइंट तो नीचे में भी रहेगा। और इसके साइड में देखिए ये दो बाथरूम है, ये लेफ्ट वाला आपका अटैच वाला बाथरूम है और ये कॉमन बाथरूम है। दोनों में सीलिंग में एक एक लाइट डला हुआ है। और इसके साइड वाला ये जो रूम दिख रहा है ये बेडरूम है, इस बेडरूम में भी वैसे ही चार लाइट पॉइंट और एक फैन पॉइंट डाला हुआ है। और इसका दोस्तों एमसीबी से हर एक रूम के लिए एक एक सिंगल लाइन मेन लाइन डाला हुआ है। ये इनका हो गया ड्राइंग हॉल, इसमें भी वैसा ही चार लाइट और एक फैन का पॉइंट डाला हुआ है। और ये देखिए दोस्तों सीढ़ी के पास भी एक डाले हैं। और ये इनका गैरेज है, बहुत बड़ा गैरेज है, लगभग 350 से 400 स्क्वायर फुट का होगा। और देखिए ये जो ब्रांच लाइन डाला गया है उनका मेन लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, जो कि 3/4 पाइप में डाले हैं। और ये दोस्तों हम पॉलीथीन पाइप में ही डालते हैं इधर, और बहुत जगह में दोस्तों पीवीसी पाइप का यूज़ करते हैं, पर इधर हम यही पॉलीथीन पाइप ही यूज करते हैं। ये दोस्तों देखिए ये जो पाइप डालते हैं इसमें हम पीवीसी टेप मारते हैं, ताकि इसके अंदर जो हमारा कंक्रीट है और उसका जो सीमेंट वाला पानी है वो ना घुसे। अगर घुसेगा तो बाद में दिक्कत होगा, तार नहीं जाएगा, इसीलिए इसमें हम पीवीसी टेप डाल के ही देते हैं। और ये जो बॉक्स है दोस्तों, देखिए इसमें बॉक्स देखेंगे आपको, ये बॉक्स में हम ये जितना ही बॉक्स डाले हुए हैं, बॉक्स के अंदर हम थर्माकोल डाल दिए हैं। ये देखिए वाइट वाइट का दिख रहा है होल के अंदर, देखिए जहाँ पाइप डाल रहे हैं। और इसमें दोस्तों हम पहले से न्यूज़पेपर डालते थे ताकि इसके अंदर कंक्रीट वगैरह ना घुसे, पर उसमें प्रॉब्लम ये आया कि जो न्यूज़पेपर है वो पानी को सक कर लिया, और अगर सक कर लिया तो उसके बाद में वो जब तक हम निकालते हैं तब तक ये उसमें जंग लग जाता है बॉक्स में, इसीलिए वो न्यूज़पेपर नहीं डाल रहे हैं। अभी हम इसमें थर्माकोल डाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए थे एक जगह पे तो उसमें अच्छा आया रिजल्ट, इसलिए इसके बाद हम थर्माकोल ही डाल रहे हैं। उसका भी अलग एक वीडियो में दिखाएंगे कैसे डाल रहे हैं। और दोस्तों वो पाइप को डालने के बाद उसको सरिये के साथ बाइंडिंग वायर लेके उसको थोड़ा टाइट करके फिक्स कर देना है, ताकि लेबर लोग जब इसके ऊपर चलेंगे काम करेंगे तो ये निकल ना जाए। बीच बीच में इसको बाइंडिंग वायर से टाइट कर देंगे। और ये दोस्तों देखिए सामने की ओर आ रहा है इसका सीलिंग लाइट जो दिया हुआ है। अरे घर का सामना इसी तरफ ही है, तो ये जब ऊपर में एलईडी लाइट लगेगा तो बहुत ही अच्छा
लुक्स आएगा, जो कि हम आपको इस घर का फाइनल होने के बाद किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नए नए वीडियो के ज़रिए कुछ सिखाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।